हाउ टू टेक स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंटरनल साउंड एंड एक्सटर्नल साउंड। गाइस अगर आप इस डिवाइस में जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और उसका जो साउंड जो है रहता है इंटरनल साउंड एंड एक्सटर्नल साउंड माइक लगा के अगर आप चाहते हैं तो कैसे आपको लेना होगा, कैसे रिकॉर्डिंग करना होगा, कैसे सेटिंग करना होगा, पूरा गाइड मैं आपको यहाँ पे दूंगा इस वीडियो पे। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस डिवाइस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और साउंड में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कंप्लीट चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस इसके लिए आपको करना क्या होगा, फोन का जो सेटिंग है बस सेटिंग वाला ऑप्शन पे आना है यहाँ पे और यहाँ पे सर्च कर लेना सेटिंग, इस तरह से बस सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेटिंग पे आ जाओगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सर्च वाला बार पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है स्क्रीन, ओके स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इस तरह करके जैसे ही सर्च करोगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं बीच वाला जो है इसी पे आना है, इस पे क्लिक कर लेना है। पूरा वीडियो को जरूर देखना कंप्लीट अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो ओके। सो इस तरह से स्लाइड करके आओगे इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, यानी जो है पूरा जो सिस्टम का जो साउंड है जो आप जो कोई भी बटन प्रेस करते हैं टैटूट का आवाज आ रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सो उसे अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसे आपको इनेबल कर देना है इस तरह करके। इससे क्या होगा रिकॉर्ड सिस्टम साउंड एट मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम जो है इस पर रिकॉर्ड जो है साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा जो इंटरनल साउंड है। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर देखने को मिलेगा रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड। अगर आप एक्सटर्नल कोई भी माइक वाइक यहाँ इस डिवाइस में अगर आप लगाते हैं इस डिवाइस में, सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो एक्सटर्नल में जो भी बोलूँ वो भी रिकॉर्ड हो जाए एंड जो सिस्टम साउंड है वो भी रिकॉर्ड हो जाए, सो इसके लिए आपको ये ऑप्शन नीचे वाला जो ऑप्शन है इसे आपको इनेबल कर देना होगा। इससे क्या होगा कि अलग से माइक लगाओगे उसका भी साउंड आ जाएगा एंड फर्स्ट वाला पे जो सिस्टम साउंड है वो भी आ जाएगा। अगर आप सिस्टम साउंड बंद करना चाहते हैं तो इसे आप ऑफ करके रखिए एंड जो भी अगर माइक लगा के आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं सिर्फ तो इसे आप इसे इनेबल करके रखिए। सो मैं यहाँ पे दोनों चाहता हूँ सिस्टम एंड जो है माइक्रोफोन लगा के, सो दोनों के लिए मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा। आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा साउंड आपको चाहिए। उसके बाद जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पिक्चर का ऑप्शन देख सकते हैं, डिफिनीशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पे आना है। इस तरह से आपको लो पे आपको जो है देखने को मिलेगा, सो आपको क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है मीडियम, मीडियम पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ का स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ही है, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपके पास ये जो है डिवाइस है तो, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस डिवाइस से वीडियो लाते रहता हूँ। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेम रेट, इस पे आना है, इस पे क्लिक करना है। इस तरह से आपको जो है हो सकता है इसमें जो है टिक लगा हुआ रहे, सो आपको फर्स्ट में डायनामिक जो आपको देखने को मिल रहा है इसी पे आपको टिक कर देना है। जो मैं बता रहा हूँ इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है, अलग से आपको फॉलो नहीं करना है ओके। अगर आप अच्छे क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि कोई भी उसमें ऑयल झोल कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सो जो सिस्टम जो सेटिंग में फीचर्स में टिक लगाने बता रहा हूँ बस उसी पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अदर का ऑप्शन रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो। अगर आप इसे इस तरह से ऑनेबल कर इनेबल करके रखते हैं सो जो है कैमरा जो रहता है फ्रंट वाला वो अगर आप ऑन करोगे तो उस वक्त भी क्या होगा रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ मैं इसे ऑफ कर देता हूं। एंड उसके साथ साथ क्या है शो स्क्रीन टच, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको देखने को मिला, इसे आपको इनेबल कर देना है। अब क्या होगा स्क्रीन पे कहीं पे भी अगर आप जो है क्लिक करोगे इस तरह से तो क्या होता है एक जो है सिंबल टाइप का राउंड टाइप का गोल करके आपको जो है स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, जिस जिस भी प्लेस पे आप टच करोगे वो स्क्रीन पे वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा एंड वो शो ऑफ होगा। अगर आपको वो चाहिए तो इसे इनेबल करके रखिएगा इस तरीके से, इस तरीके से आपको रखना है ओके। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वीडियो कोडिंग फॉर्मेट, इस पे आना है, इस पे क्लिक कर लेना। जैसे इस पे क्लिक करोगे इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। अब आपको जो है नीचे वाला पे ठीक लगा हुआ आपको रखने देना है। क्या है सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा H.265 एंड नीचे में देखने को मिला H.264। सो आपको क्या करना है फर्स्ट में क्या है वीडियो अगर रिकॉर्ड करोगे तो स्मॉल साइज आएगा डिस्प्ले, छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पे अगर नीचे वाला पे क्लिक करोगे तो बेस्ट क्वालिटी पे एंड कंफर्टेबल वाला देगा, सो नीचे वाला पे आपको टिक करके रखना है। एंड उसके बाद साथ यहाँ पे अबाउट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि आपके लिए ये नहीं है, ये सिस्टम के लिए दिया गया है। जितना भी मैं यहाँ पे चीज बताया बस इसी तरीके से आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी में कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी और प्रॉब्लम हो या फिर कुछ चीज के बारे में सीखना हो इस डिवाइस से रिलेटेड सो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर दूंगा। काफी सारे ऑलरेडी जो वीडियो है उसे जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसा लगा।